देखिए, मैं समझती हूँ और जो मेरे ख्याल से हर आम हिंदुस्तानी समझेगा कि ये राजनीतिक मौका परस्ती का एक बहुत ही, जो मैं कहूंगी, निच स्तर का एक जो है उन्होंने यहाँ पे उदाहरण खड़ा किया है। जैसे कभी किसी समय पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और भाजपा ने आज एक लोगों के आगे गाजर लटकाई है कि तुम हमें वोट दो तो हम तुम्हें ये वैक्सीन देंगे। आज इस वादे से हमें ये कुछ सवाल दिमाग में खड़े होते हैं, क्या जिस सरकार ने मुफ्त के टेस्ट करने बंद कर दिए हैं, अब वो मुफ्त की वैक्सीन को चुनावी घोषणा पत्र में कैसे डाल सकती है? मेरे दिमाग से तो इस पर यह संवैधानिक सवाल भी उठना चाहिए कि इस तरह से जो महामारी आज देश में करोड़ों लोगों की जान ले रही है, इस महामारी को इस तरह चुनावी घोषणा पत्र में एक लोक लुभावना वादा बनाने का जो इन्होंने ये प्रकरण शुरू किया है, क्या यह जायज है संवैधानिक रूप से कि नहीं? और नहीं है तो इन्हें से विड्रॉ करना चाहिए, इस पर इन्हें माफी भी मांगनी चाहिए। तीसरा, मैं सरकार से पूछना चाहूंगी, क्या ये सिर्फ बिहार में ही कोरोना की महामारी है कि कोरोना महामारी में दबे हुए लोगों को जो है एक तरह का सॉफ्ट ब्लैकमेल है? उन प्रदेशों का क्या, देश में हाईएस्ट जो कोरोना के केसेस चल रहे हैं वो दूसरे स्टेट्स हैं, उनमें महाराष्ट्र भी आता है और भी बाकी स्टेट्स आते हैं, तो उनका क्या? तो मैं समझती हूँ कि राजनीतिक मौका परस्ती और इस तरह से मैं कहूंगी अमानवीयता और राजधर्म का हर तरह से इन्होंने त्याग कर दिया है। ये घोर जो है ये निंदनीय काम है और इसके ऊपर मैं समझूंगी इलेक्शन कमीशन को भी रिवर्ट करना चाहिए और इस पर संवैधानिक कार्रवाई, एंड दे शुड बी ब्रॉट टू आंसर ऑन दिस।